गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ध्यान से हमें जो नया सिलेबस पढ़ना है, सारे बच्चों को मालूम है क्या क्या पढ़ना है? नो सर। यस सर। पहली बात, नो सर, कॉपी निकालो, नोट हमें नहीं पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है इस चीज को नोट करो। निकाल लिए? यस सर। जल्दी निकालो। यस सर, बता लो। काव्य खंड में निकाल लिए। काव्य खंड में देव को नहीं पढ़ना है। काव्य खंड में देव को नहीं पढ़ना है, नोट कर लो। जयशंकर प्रसाद का जो आत्मकथ्य है, यह भी नहीं पढ़ना है। नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल नहीं पढ़ना है, नोट कर लो। नागार्जुन छाया मत छूना। गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, यह भी नहीं पढ़ना है। और संगतकार भी नहीं पढ़ना है, लिख लो सर। गदखंड में यह कहानी डबराल जी का है, संगतकार, इसको भी नहीं पढ़ना है। इतना हमें काव्यखंड में नहीं पढ़ना है। गद्यखंड में देखो, मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी नहीं पढ़ना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नहीं पढ़ना है। यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत नहीं पढ़ना है। भंडत आनंद कौशल्यायन की जो संस्कृति है, यह भी नहीं पढ़ना है। और कृतिका में देखो, कृतिका में एठैया झूलनी है रानी हो रामा, नहीं पढ़ना है। मैं क्यों लिखता हूँ नहीं पढ़ना है। इसके बाद जितना बच गया है सारा चीज पढ़ना है, ठीक है? सारा चीज हमें पढ़ना है। सर थोड़ा एक बार और दीजिए। किसमें बेटा? एक बार और बता दीजिए। किसका? कृतिका में उसका किसका? फिर से सुन लो, काव्य खंड में देव नहीं पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य नहीं पढ़ना है, नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल नहीं पढ़ना है, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना नहीं पढ़ना है, संगतकार नहीं पढ़ना है। आ जाओ गद्य खंड में एक कहानी अभी मन्नू भंडारी का नहीं पढ़ना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को नहीं पढ़ना में इबादत नहीं पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत नहीं पढ़ना है। कृतिका में आ जाओ। हैरानी हो रामा नहीं पढ़ना है। मैं क्यों लिखता हूँ नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्या क्या बोलिए? क्या सर को तुम लोग पढ़ा रहे? मैं क्यों लिखता हूँ नहीं पढ़ना है। रवि और सर और एक और कौन सा नहीं पढ़ना है? बस यही कृतिका में दो को नहीं पढ़ना है, दो को ही छांटा गया है। रविशंकर बस दो को ही नहीं पढ़ना है। अब देखो, व्याकरण चूंकि पढ़ाए एक हफ्ता से अधिक हो गया, व्याकरण हम 9th में पढ़ चुके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। थोड़ा सा फिर दोहरान कर देता हूं,
उपसर्ग और प्रत्यय को ध्यान से सुन लो, बहुत तेजी से। उपसर्ग और प्रत्यय और समास पर प्रकाश डालूंगा, कम समय है, इसको ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में तुलनात्मक रूप से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देख लो, लिखते जाना, लिखते भी जाना। व्याकरण, व्याकरण में एक तरफ उपसर्ग लिख लो और एक तरफ यहां लिख लो प्रत्यय, एक तरफ प्रत्यय लिख लो। दोनों को तुलनात्मक रूप से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि विगत का पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो उपसर्ग है, उपधन सर्ग, उपधन सर्ग से बना है, इसका विच्छेद क्या होगा? उपधन सर्ग। यह सर्ग मतलब होता है भाग, उप माने समीप। यह एक संयोग का पद है, जबकि प्रत्यय जो है यण संधि का है। अब देखो प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में प्रत्यय को हम शाब्दिक अर्थ कैसे निकालेंगे? तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रतिधन आय, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिधन आय, प्रतिधन आय से प्रत्यय बना। प्रति माने पीछे, आय माने आना। वह शब्दांश, यह जुटता किसमें है? तो कोई भी शब्द है यहाँ जिसे हम मूल शब्द कहेंगे, तो मूल शब्द के यदि पीछे जुटता है, पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित करता है, तो वह प्रत्यय कहलाएगा। और पूर्व में जुटता है, पूर्व में जुटता है, तो वह उपसर्ग कहलाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज मैं प्रकाश डालूंगा, जो पहले लगकर परिवर्तन को ध्यान से सुनो। अब इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुटकर चमत्कार पैदा करते हैं या प्रभावित करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। देखो ये चमत्कार कैसे पैदा करते हैं, जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ उपसर्ग लिख दिया, उपसर्ग लिख दिया और कोई शब्द लिख दिया। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया, तो ये उपसर्ग तीन तरह से प्रभाव में डालते हैं, तीन तरह से, नोट करो, तीन तरह से प्रभाव में डालते हैं। पहला तो अर्थ बदल देने का काम करते हैं, क्या करते हैं? अर्थ बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि यह नया शब्द का निर्माण कर देते हैं। दूसरा क्या करता है कि यह नया नया शब्द का निर्माण करता है। और तीसरा क्या करता है कि उसी अर्थ में विशेषता को ला देता है, उसी अर्थ में विशेषता प्रकट करता है, विशेषता ला देता है, उसी अर्थ में विशेषता ला सकता है। क्या क्या? अर्थ में अर्थ को बदल देता है, नया शब्द का निर्माण करता है, और उसी अर्थ में विशेषता या चमत्कार पैदा कर देता है। अब देखो इसकी परिभाषा हम यूं लिखेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, शब्दांश कह रहे हैं शब्दों का अंश, पूर्व में जुड़कर क्या करते हैं, उसके अर्थ में चमत्कार पैदा करते हैं या प्रभावित करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। किस तरह प्रभावित करते हैं? जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया सुंदर शब्द, मैंने उदाहरण के रूप में देख लो, मैंने जैसे मान लो लिख दिया सुंदर, इसके पूर्व में यदि अप्रत्यय लगा दिए तो असुंदर हो गया, यह क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। यदि इसी सुंदर शब्द में मैंने अति लगा दिया
तो अति सुंदर हो गया। यह सुंदर चूंकि विशेषण है और विशेषण की विशेषता को बतला दिया यह उपसर्ग जुटने के बाद, तो ये उसी अर्थ में विशेषता ला दिया जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो एक तो अर्थ को बदल देता है, दूसरा विशेषता ला देता है, तीसरा नया शब्द बना देना ही उपसर्ग का काम है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग ये उपसर्ग समझो कि हमारे भाषा में यदि उपसर्ग नहीं होता तो हमारी भाषा में शब्द नहीं मिल पाते। यानी यह भाषा में उपसर्ग ब्रह्मा का काम करता है। जैसे मान लो मैंने देश शब्द लिख दिया, अब इस देश शब्द में यदि मैं बी उपसर्ग लगा दिया तो विदेश हो गया, आ उपसर्ग लगा दिया तो आदेश हो गया, सम उपदेश लगा दिया तो समदेश हो गया। देखो सम उपसर्ग लगाएंगे तो स पर ऊपर बिंदी लगा देंगे और देश तो संदेश, संदेश शब्द बनेगा। देखो ये ध्यान देना, सारे उपसर्ग जो हैं हमारे जो जितने हिंदी में उपसर्ग हैं 22 हिंदी में हैं, 24 की गणना होती है उत और उद को लेकर, 22 संस्कृत में हैं और अरबी फारसी में भी 22 हैं। अन्य 22 की भी चर्चा की जाती है, कुल मिलाकर 90 उपसर्ग हैं। देखो अब 90 उपसर्ग कैसे हैं, संस्कृत में 22, हिंदी में 22, जिसमें दो जुट जाता है उत उत को उद और उत और उद जुट जाता है, दो मिलकर यहाँ 22 हो जाते हैं और अरबी फारसी के भी 22 हो जाते हैं और अन्य उपसर्ग की गणना 22 की जाती है। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया और 2 2 4 2 6 2 8 हो गया और ये उत और उद दो उपसर्ग जो हिंदी में जोड़े जाते हैं, दो जोड़ देंगे तो हमें 90 की संख्या मिल जाएगी। ये सामान्यतः जो हमारे सिलेबस में 22 उपसर्ग निहित हैं उतना ही पढ़ना है, लेकिन कुल संख्या इतनी मानी गई है। अब देखो सर। हाँ बेटा। सर वो दोनों 22 कहाँ से है? किसमें बेटा? सर 22 हिंदी और 22 संस्कृत में होता है सर। हिंदी में 24 और संस्कृत में 22 होता है और वो दोनों 22 है। और अरबी फारसी में भी 22 की गणना की गई है और अन्य के नाम से अन्य उपसर्गों की भी संख्या 22 मानी गई है। अच्छा। तब जाकर 90 की संख्या होती है। ठीक है, ये किसी प्रतियोगी परी इस तरह के सवाल किसी प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे। मैं सामान्य रूप से इन उपसर्गों का मैंने परिचय करा दिया। अब देखो पहली बात की उपसर्ग और प्रत्यय का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे कि इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। पहली बात, ये उपसर्ग जो होता है शब्दांश होता है, शब्दांश होता है। पहली बात शब्दांश होता है और जब शब्द का अंश होगा तो उसका भाषा में प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि वह अर्थ प्रदान नहीं करता। जैसे मान लो अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। यदि अ उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, नहीं नहीं के रूप में हम इसका अर्थ लेते हैं, नहीं के रूप में हम इसका अर्थ लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। इतना समझ जाओ, माने नहीं के अर्थ बताने हेतु इसका प्रयोग करते हैं, न कि अ का हम अर्थ नहीं लेते। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि राम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान है, फिर लिख दिया कि राम बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं है, नहीं है, फिर लिख दिया कि राम बुद्धि बुद्धिमान अ है। क्या हमने कभी ये ऐसा सवाल देखा है, ऐसा वाक्य देखा है कि राम बुद्धिमान अ है? यानी नो सर, मेरे कहने का मतलब कि ये अ जो है अकेला अर्थ नहीं प्रदान करता क्योंकि वह शब्दांश है।
शब्दों का अंत है, लेकिन जब किसी शब्द के पूर्व में जुटता है, क्या करता है, जब किसी शब्द के पूर्व में जुटता है तो अर्थ प्रदान करने लगता है। जैसे राम बुद्धिमान के अ लगा दिया तो राम अबुद्धिमान है, यहाँ जब अर्थ क्या बदल दिया, नहीं बदल दिया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब लिख लो, नोट कर लो, उपसर्ग का पहली बात कि इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। लिख लो, इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता, उसी तरह नहीं होता। नोट कर लो, तुलनात्मक पढ़ा रहे हैं बेटा, ये बुक में नहीं इस तरह से मिल पाएगा, बहुत मेहनत से चार्ट बनाए हैं, इसको ध्यान से नोट करो। उपसर्ग का इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ठीक वही बात कि प्रत्यय भी शब्दांश होता है, प्रत्यय भी क्या होता है, शब्दांश होता है, और यह भी पीछे लगाया जाता है, तो इसका भी भाषा में लिख लो, इसका भी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। पहला बिंदु नोट कर लो, पहला बिंदु कि उपसर्ग का भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वह शब्दांश होता है और उस शब्दांश का अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का भी इसका भी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दूसरी बात कि ये उपसर्ग जुटते किसके साथ हैं, तो नोट कर लो, ये केवल विकारी शब्दों के साथ जुटते हैं, विकारी शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, यानी विकारी शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, वो अव्यय हो विकारी शब्दों के साथ, दोनों विकारी शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। पहली बात, अब विकारी शब्द क्या होता है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, ये विकारी शब्द हैं। ये उपसर्ग केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के साथ ही जोड़े जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय में भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ जोड़े जा सकते हैं। अविकारी शब्दों के साथ कभी भी हम उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। सर प्लीज साइड, विकारी शब्दों के साथ sir, इतना छोटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोल रहे हैं इसलिए लिखो, विकारी शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग जोड़े जाते हैं या उपसर्ग जोड़े जाते हैं। थोड़ा साइड हो जाए सर, स्क्रीनशॉट ले ले। विकारी शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़े जाते हैं। दूसरी बात कि प्रत्यय में भी क्या होता है, विकारी शब्दों के साथ भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। थोड़ा साइड हो जाए सर, यस सर, ऐसे ही रहिए सर। यह भी विकारी शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं और यह भी विकारी शब्दों के साथ। विकारी शब्द क्या है ये नोट कर लो, विकारी शब्द है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। इसी के साथ प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जोड़े जा सकते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ और क्रिया के साथ। बहुत महत्वपूर्ण बात, संक्षेप में एक तुलनात्मक चार्ट बना दे रहा हूँ, साइड चार्ट बना दे रहा हूँ। इसके बाद देखो, इसके योग में समासिक पद नहीं होता, किसके योग में, तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इसके योग में समासिक पद बनाए जा सकते हैं। किसके योग में, उपसर्ग में, 11 उपसर्ग में समासिक पद बनाए जा सकते हैं,
अब समासिक पद का थोड़ा सा संक्षिप्त में उदाहरण देख लो कि समासिक पद कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि ये याद रखने की बात है कि प्रतिधन एक मैंने लिख दिया, जैसे देख लो प्रतिधन एक। अब एक हो जाएगा सर। अब देख लो ये बना शब्द क्या, प्रत्येक प्रत्येक। अब इसका हमने विच्छेद कर दिया, प्रतिधन एक हो गया, ई और ए मिल गया, ई और ए का योग हो गया, ए मिल गया। लेकिन ये प्रति उपसर्ग हो गया और एक क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। किसके साथ जुटा, तो संख्यावाचक विशेषण के साथ जुटा। ये बात समझ में आ रही है, इसलिए लिखा कि इसमें समासिक पद बनाए जा सकते हैं। किसमें, उपसर्ग के द्वारा समासिक पद बनाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये नोट कर लो, उदाहरण भी मैंने समझा दिया। अब प्रत्यय में हम देखेंगे कि प्रत्यय में क्या होता है। अब हमको क्या देखना है, नोट कर ले, समासिक पद नहीं बनाए जा सकते हैं। थोड़ा साइड हो जाइए सर। अब इसमें प्रत्यय में लिख लो, इसमें प्रत्यय के योग में संधि नहीं होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात लिख लो, प्रत्यय के योग में संधि नहीं होती। नींद आ रहा सर। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान देना कि उपसर्ग में समासिक पद बनाए जा सकते हैं और प्रत्यय के योग में संधि नहीं होती। यानी इसमें समासिक पद बनाने के लिए इसमें संधि होगी, इसमें संधि पद होगा, उपसर्ग में संधि पद हो बनेगा और प्रत्यय में संधि पद नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो चौथी महत्वपूर्ण बात, उपसर्ग में संयोग, सर का एक बार और रिपीट कर दीजिए, संयोग पद द्वारा संयोग के योग से, संयोग द्वारा उपसर्ग का योग होता है, संयोग के द्वारा उपसर्ग का योग होता है, योग होता है। अब संयोग क्या होता है ये देख लो, संयोग के द्वारा उपसर्ग का योग होता है। संयोग क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हार लिख दिया। फर्ज करो मैंने क्या लिख दिया, हार लिख दिया, हार जी। अब देखो यहाँ कोई भी शब्द लिख दिया, मैंने लिख दिया हार लिख दिया। इसमें जो है सामान्य रूप से हम संयोग कर सकते हैं, समान रूप से, किसी का सुन नहीं रहे यार, समान रूप से संयोग के द्वारा। हाँ बेटा, सर ये पूछ रहे हैं कि जो प्रत्यय में समासिक पद नहीं बनता है, किसमें, प्रत्यय के योग में संधि नहीं होता, लेकिन इसमें जो है इसके योग में समासिक पद बनाए जा सकते हैं। समासिक पद संधि नहीं, इसके योग में, प्रत्येक योग में समासिक, समासिक पद क्या होते हैं, समासिक पद पद बनाए जा सकते हैं, 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 समासिक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो, अब थोड़ा सा देख लो कि समासिक पद क्या होता है। चूंकि समासिक पद क्या होता है, सर प्लीज साइड। हाँ देख लो, हॉटी हो गया। थैंक यू सर। रुक जाइए, यस सर, सर ही हो गया, पूरा लिख लिए सर। सर उपसर्ग में संधि होता है ना। हाँ बेटा, हाँ। अब देखो मैंने मैंने अभी कहा कि समासिक पद बनाए जा सकते हैं, तो समासिक पद देखो, समासिक पद क्या होता है,
अब जैसे समस्त पद है, कोई समस्त पद है तो इसका एक संस्कृत में एक उदाहरण देखो, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिसने भी संस्कृत में उदाहरण ने भी ये प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो अनेक पदानाम, अनेक इसको भी नोट कर लो बेटा, इसको भी अनेक पदानाम, अनेक पदानाम, ये समास की परिभाषा मैं बोल रहा हूं। अनेक पदानाम एक पदी भवनम, एक पदी पदी भवनम भवनम पदी भवनम समासः। यस सर। समासः। अब देखो जो अनेक पद था, जो अनेक पद था इसको हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। विग्रह इसको हम क्या कहते हैं, विग्रह। और समासिक विग्रह। हाँ, और समास को हम पर्यायवाची संक्षेप या संक्षिप्त कह सकते हैं। कोई शब्द इतना बड़ा है, इसको हमने इतना बड़ा कर दिया तो वही जो है समास कहलाएगा। यानी अनेक पदानाम अनेक पद है, अनेक पद है, एक पद भवनम उसको मैंने क्या किया, एक पद बना दिया, वही समास कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये विग्रह, जैसे ये अनेक पद है तो उसको विग्रह कहेंगे। जैसे अनेक पद है तो उसको हम क्या कहेंगे, विग्रह कहेंगे। जैसे सट है आनंद जिसके, देखो मैंने एक और शब्द लिख दिया उदाहरण के लिए कि सट है आनंद जिसके, सट है आनंद जिसके, जिसके दोस्त है ना। अब मैंने क्या किया कि इस है को, ध्यान से सुनो बेटा, इस है को और जिसके को मैंने क्या किया, हटा दिया। अब क्या बन गया, बन गया क्या शब्द बन गया, सट आनंद बन गया, सट आनंद। अब इसमें हमने सन, अब सट सट आनंद चुकी सार्थक। ध्यान से सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान से सुनो। शॉर्ट किसका आनंद होता है सर? ये देखो, शॉर्ट को ट का ड में परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन शब्द में क्या होता है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो शब्द का निर्माण क्या होगा, सडानन। सडानन क्या शब्द बन गया, सडानन बन गया। मैंने परिभाषा क्या लिखा, अनेक पदानाम एक पद भवनम समासः। यानी इसमें अनेक पद थे, सट है आनंद जिसके, एक दो तीन चार पद थे, जिसको मैंने दो पद में हमने हटा दिया, और जो हटा दिया तो हमें शब्द मिला सड़ानन। तो ये जो सड़ानन शब्द मिला, ध्यान दो, ये सड़ानन जो शब्द मिला एक पद भवनम है, एक पद भवनम यानी यही समस्त पद है, यही समस्त पद है, इसी को हम समस्त पद कहेंगे। समास में शब्द को ही पद कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जब विग्रह होगा तो अनेक पदानाम कहा जाएगा और एक पद भवनम यानी समस्त पद। अब इस समस्त पद को भी, समस्त पद को हम समासित पद के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लो, यही समस्त पद समासिक पद कहलाता है। समासिक पद, समासिक पद, समासिक पद। सर पद छोटे लिख रहे हैं आप। यही क्या है, समासिक पद कहलाता है बेटा। अब देखो ये जो समासिक पद है, इसी समासिक पद को हम दो भागों में पढ़ते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद के रूप में, और दूसरा द्वितीय पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में। ये जो प्रथम पद है, बहुत समय कम है इसलिए सुन लो, न तो ये दूसरा दिन फिर पढ़ा नहीं पाएंगे। प्रथम पद के रूप में और द्वितीय पद के रूप में, प्रथम पद को हम पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और द्वितीय पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद के नाम से जानते हैं। समास में जो समासिक प्रक्रिया होती है वह प्रथम पद और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद कहलाता है। इसमें पदों की प्रधानता के आधार पर हम उपसर्गों का निराकरण करते हैं, जिसमें पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो। तो यही पद है, यही पद है। मैंने क्या लिखाया कि समासिक पद बनाए जा सकते हैं, किसके योग से,
प्रत्यय के योग से समासिक पद बनाए जा सकते हैं। समास पढ़ाएंगे बेटा, बताएंगे कि पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, दोनों पद यदि गौण होते हैं तो क्या होता है। क्या अब ये समझ में आया? पूर्व पद और उत्तर पद, यदि दोनों पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान होगा तो अव्यय भाव समास होगा, दूसरा पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास होगा, दोनों पद प्रधान होगा तो द्वंद्व समास होगा, यदि दोनों पद प्रधान न हो तो तीसरा प्रधान हो तो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे नोट करो, ठीक है। अब आगे 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 नोट करो, तीसरी बिंदु, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज नोट कर लो। समय चूंकि कम है, अब देखो, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो लिखो, यदि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो नोट करो, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो शब्द के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगा दी जाती है, तो शब्द के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगा दी जाती है, मात्रा लगा दी जाती है। नोट कर लो, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द, यहाँ मूल लिख लो, मूल जोड़ लो, मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगा दी जाती है। उदाहरण सुनो कि किस तरह मात्रा लगा दी जाती है, कि इसमें मात्रा लगाने का जो नियम है, हम कैसे मात्रा का योग करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर किस तरह से हम मात्रा लगा देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक शब्द समाज, सामाजिक में एक प्रत्यय मैंने जोड़ दिया, देखो जैसे मैंने लिख दिया सामाजिक शब्द लिख दिया, एक प्रत्यय जोड़ दिया, मैंने किस प्रत्यय का योग किया है, एक प्रत्यय का, तो ये इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो समाज धन एक होगा, समाज धन एक, तो समाज में अ मिला, यहाँ ई मिला, इस अ ई से कोई मतलब नहीं है, अ ई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा है कि इसमें संधि नहीं होती, प्रत्यय के योग में संधि नहीं होती। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो देखो प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर है, स्वर दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं, मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर मात्रा लगा दी जाती है, तो जो मूल शब्द का, जो समाज का, जो ज का मूल शब्द है ज, इसके पर हम क्या मात्रा लगा देंगे, केवल छोटी की मात्रा लगा देंगे, जिससे सामाजिक शब्द का निर्माण होगा, सामाजिक। समझ में आ गया? सामाजिक शब्द का, यानी यह नोट करो, दूसरे और एक बार और बताइए, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतर्गत जो वर्ण पर, मूल वर्ण जो वर्ण है उस पर क्या किया जाता है, वह पर मात्रा लगा दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें हमको जानना है कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो क्या करेंगे, स्वर हो तब तो छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, सामाजिक जैसे बन गया, समाज अ ई के योग से संधि नहीं करेंगे, मूल शब्द पर क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे, तो एक प्रत्यय लग जाएगा, तो सामाजिक शब्द का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यदि व्यंजन हो तो हम क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज है, यह भी नोट कर लो, यदि व्यंजन है, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण, नोट करो, यदि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण
यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, यदि व्यंजन हो तो मूल शब्द के साथ प्रत्यय का, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, व्यंजन हो तो मूल शब्द के साथ, शब्द के साथ संयोग के तरह जोड़ देंगे, संयोग, संयोग के तरह जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब ये देखो, इसका उदाहरण देखो कि क्यों संयोग के तरफ जोड़ देंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया दुकान, दुकान मूल शब्द बना दिए दुकान, और इसमें मैंने दार प्रत्यय जोड़ दिया, तो अब इसमें यदि व्यंजन है, द व्यंजन है, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है। यदि हमको व्यंजन प्रत्यय में दिख जाता है तो समान रूप से जोड़ देंगे और शब्द का, और जो इससे प्रत्यय से शब्द बनेगा, दुकानदार शब्द का योग हो जाएगा, खूब सामान्य रूप से संयोग के साथ जोड़ देंगे, दुकानदार हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आई बात? अब देखो, यदि अब दूसरी महत्वपूर्ण बात की उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय स्वरूप होते हैं, अव्यय नहीं होते, अव्यय स्वरूप होते हैं, इसके योग से बने शब्द भी अव्यय स्वरूप होते हैं, यह भी महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर लो। उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय स्वरूप होते हैं तथा इनके योग से बने शब्द भी अव्यय स्वरूप होते हैं। नोट हो गया, नोट हो गया, और बोलिए, नोट हो गया, एक बार और बोलिए। देखो उपसर्ग, हाँ पहली बात, अब फिर से एक बार इसका दोहरान कर देते हैं, समय नहीं है, दो एक मिनट समय है, फिर से दोहरान कर देते हैं। तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का, पहली बात की उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, किसका? उपसर्ग का। क्यों नहीं होता? कि वह शब्दांश होता है। ठीक उसी तरह प्रत्यय में भी इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वह शब्दांश होता है। प्रत्यय जुटता कहाँ है? तो शब्द के पीछे। और उपसर्ग कहाँ जुटता है? तो शब्द के पूर्व में जुटता है। और ये जुट कर करते क्या है? या तो अर्थ में विशेषता ला देंगे, या तो अर्थ को बदल देंगे, और तीसरा मैंने क्या बताया? बताओ बेटा, कौन बताएगा? चमत्कार। क्या बताए? उपसर्ग जुटकर प्रत्यय क्या है? उपसर्ग या प्रत्यय जुटकर किसी मूल शब्द में, उपसर्ग या प्रत्यय जुटकर क्या क्या करते हैं? तीन चीज करते हैं, जल्दी बताओ। अर्थ बदल देते हैं, नया शब्द का निर्माण करते हैं, और अर्थ में विशेषता या चमत्कार। बहुत अच्छा। एक तो अर्थ को बदल देते हैं, दूसरी बात कि नया शब्द का निर्माण कर देते हैं, तीसरी बात कि